तुम्हारे राज दरबार से मांगने जा रहा हूँ। हमारा के दान करने का इतना ही शौक है महारानी, तो आओ भरताई तो इस जरिया में दान कर दे महारानी। मैं शौक से तुम्हारे राज दरबार से चला जाऊंगा। नहीं नहीं जोगी राजा, ये हमसे क्या मांगी है आप? हाँ महारानी, जो तुम सुन रही हो मैं वही मांग रहा हूँ महारानी। जोगी राजा, मैं तो समझती कि आप रुपये पैसे खंडल या सोने चांदी मांगेंगे। मैं तो नहीं चाहती थी बाबा कि आप मेरे स्वामी राज को मांगेंगे। हाँ महारानी, मैं तुम्हारे स्वामी राज को मांगा हूँ। इसके पहले तुम्हारे सांस से कह रही थी कि महारानी पिंगला का राज दरबार है, यह कोई चोरी फरीद खाली हाथ नहीं जाता। क्या हुआ महारानी? भरतरी को इस जलिया में दान कर दे, मैं शौक से तुम्हारे राज दरबार से चला जाऊंगा। महाराज, मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। अरे देखे था सर, बरसान कर दो वीडियो बना। सुनी जाती हीरे मोती की कुछ भी कमी नहीं, रुपये पैसा ले लेकिन मेरी स्वामी आपको मत मांगिए। सिर्फ भरतरी चाहिए और मैं इस राज दरबार से खाली हाथ नहीं जाऊंगा महारानी। भरतरी को लेकर ही जाऊंगा महारानी, चाहे जैसे तुम दान करो। नहीं चुनी राज, उसे माफ कर दीजिए, उसे गलती हो गई, उसे भूल हो गई कि मैं चुआ को बचन दी। चुनी राज, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। अरे महारानी, क्या कहना चाहती हूँ? अरे बाबा की हरे की दीवा, अरे सबूरी हमारे जगो, अरे सबूरी हमारे जगो, अरे पलमुआ कैसे, अरे पलमुआ कैसे I'm
कर रही है महारानी, राज सरकार को इस एरिया में दान कर दे, मैं शौक से तुम्हारे राज दरबार से चला जाऊंगा। इसके पहले मैं तुमसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे राज दरबार से कुछ भी नहीं लूंगा, तो तुम परेशान से कह रही थी कि महारानी पिंगला के राज दरबार से कोई जोगी फकीर खाली हाथ नहीं जाता, तो मैं कैसे चला जाऊं महारानी तुम्हारे राज दरबार से। जिंदगी में ना देख ली, मेरे जैसा जो दिखाई नहीं कबो ना बुझा तक मन का खसी बाबा हो हम बहुत से जो खाली गा गा में फिर जाए ना सही बात है। जब फिर पूरा हो जाएगा बाबा देखे आलू मांग लेला क्यों टमाटर मांग ले क्यों चावल मांग ले सही बात है क्यों दाल मांग ले सही बात है भाई क्यों करिया भंटा मांग ले चोखा बनाने के लिए हाँ बाबा सही बात है तो ही सही बाबा कब जिंदगी में रखनी ये बतावा क्यों का भादार मांग का कारगर से हागरत मनी बात तुम जानना चाहते हो मैं किस लिए मांग रहा हूँ काहे और मांगे थवा अरे देखो मैं भट्टरी को अपना चेला बनाऊंगा चेला बनेगा हाँ हाँ तो भाई मैं अपना चेला बनाऊंगा चेला बनाना तुमको चेला बनाना हाँ हाँ तब तो मेरा दिन भर दिमाग खराब करके रख देगा बाबा जगह दिमाग हम कबो ना खराब कर ला कहो बाबा एक बात पूछी पूछो तो हरी चलाई का कुटिया में चलाई का कुटिया ही है चलाई में कुटिया दोनों का मिक्सचर है चलाई का कुटिया मिक्सचर है हाँ मैंने तो हरी कुटिया का चलाई नहीं चलाई नहीं बाबा ये तो ना समझ रहा कि मिक्सचर पर के बोल रही क्यों बुझे क्यों बुझी ना पाए बाबा बस सिर्फ चेहरा चेहरा खाले खला चेहरा ये क्यों नहीं चेहरा ये दो एक कौन है नहीं बाबा खाना के खा ऐसे बना रहा तो भैया हाथ से बोल तो मजा दे तो मजा दे भाभी हाँ बाबा को लगा दे बाबा क्या है भाभी भाभी ने क्या लगा भाभी नहीं वो भाभी के सामान दिए आलू प्याज जो पड़ता है ना भाभी हाँ हाँ वही दिए मगर टोली है तो पूरा पूरा गौरव अरे ये आलू प्याज लिया है टमाटर लिया है जाऊंगा अपने कुटिया पर और भोरी जा कर खाऊंगा हम तो देने खा पी के भोरी लेके आए हैं भोरी काम कर करवाई सर वो की काम लगा हाँ बाबा का कहीं का काम है जाओ भोरी से कहो हाँ कि भरतरी को मुझे दान कर दे अच्छा नहीं तो अन्यथा मेरा तुरंत भाग गया दरबारी में बहुत अनर्थ हो जाएगा जाओ महारानी से कह दो कि भरतरी को मुझे दान कर दे नहीं तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा अच्छा ना करने वाला
जाओ जाओ बुरा मत करिया बाबा महारानी महारानी बाबा मामा धोते जा मीठी सीपी स्वामीनाथ के दान दे तो कहता 50 सारा कॉली ना कि बाबी बाबा खतरनाक हो हमर बात ना मानलु घुंघट काढ़ के मिलत थी अब तो मांग धो दे दा ठीक है बड़ी में बात कर ले हां जी कर दे दा चौधराज लाओ महाराज भाजी को दान करो चौधराज आप अभी तक इसी राजमहल में थी से खाली चल ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हारे राज दरबार से खाली नहीं जा सकता चल जा बाबा चल जा मैं एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ कि मैं अपने स्वामीनाथ को दान दे अपने वचन से उतर रही है महारानी इसके पहले तुमने मुझे वचन दी है कि आप जो इस राज दरबार से मांगेंगे आपको मिलेगा तो मैं तुम्हारे राज दरबार से खाली अब नहीं जा सकता महारानी मेरे राज दरबार में हाँ महारानी अरे मेरे सामने अपनी अकल औकात चौकी राज आप मुझे जानते हैं मैं इस राज की महारानी हूँ अगर चाहो तो बोटी बोटी कटवा कर बहुत बार खिला सकती तू क्यों मुझे बोटी बोटी कटवाएगी महारानी अपने राज दरबार में इस जोगी राज का इतना अपमान अगर चाहो तुम्हारी जैसे जोगी फकीर बहुत देखी हूँ मैं मेरे जैसे जोगी फकीर बहुत मेरे जैसे जोगी फकीर अभी तूने देखी नहीं महाराज तूने मेरा बहुत अपमान कर लिया महाराज अरे तू क्या मुझे धक्के मरवाएगी और पोटी पोटी कटवाएगी मैं तुम्हारे राज दरबार से खुद ही चला जाऊंगा खाली हाथ जाऊंगा लेकिन मैं इस अपमान का बदला मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महाराज अरे क्या साहब गली गली बाग में खाने वाले छोगी मेरी रात दरबार में आई मुझे धक्के दे रहे दरबारी इसी वक्त इसे धक्के मार कर बाहर निकलो अरे तू क्यों मुझे धक्का मरवाएगी